नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का जेके न्यूज में स्वागत है। हम लगातार ये खबरें चला रहे हैं कि बिपरजॉय तूफान के बाद जो आवागमन है वो गांवों का टूट गया है, और जहां मैं खड़ा हूं ये रास्ता जीवन कला गांव और बोडी को जोड़ने वाला रास्ता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने काफ़ी शिकायतें विधायक, उपखंड अधिकारी व उपखंड के आला अधिकारियों सहित नेताओं तक पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लिहाजा अब इस सड़क के हाल ये हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ से वाहन नहीं गुजर पा रहा है, और ना ही यहाँ पर काम चलाऊ जो सड़क बननी चाहिए थी वो अभी तक बनी है, जिसको लेकर दूर दराज होकर लंबे किलोमीटर की दूरी तय करके लोगों को इस गाँव तक जाना पड़ रहा है। जब ये पुल नहीं टूटा था उससे पहले भी हमने यहाँ के स्थानीय विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत साहब को अवगत करवाया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो ये पुल है वो पूरी तरह से टूट गया है, जिसके कारण जो पानी का बहाव आप मेरे पीछे देख सकते हैं दूसरे अन्य खेतों से होकर गुजरता है, और कई जगह से रास्ता टूट कर ये पानी निकल रहा है, जिससे के कारण यहाँ से वाहन चालकों से लेकर दोपहिया वाहनों आना जाना भी बंद हो गया है। रही बात तूफानी बारिश की, तो इसके निकासी के लिए और भी प्रावधान हो सकते थे, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं नेता अपनी चुनावी रणनीति के साथ लोगों को प्रलोभन देकर यहाँ से जीत जाते हैं। जब बात विकास की आती है, जब बात सड़कों की आती है, तो यहाँ कोई विकास के मामले में आगे नहीं आता है, और यहाँ की आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस बार भी एक बड़ी घटना होते होते बची, जहां दोपहिया चालक यहां पुल के पास नाला पार करते समय गाड़ी भी अंदर गिर गई थी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी हानि नहीं हुई, अगर वो गाड़ी सहित उसमें गिर जाते तो जनहानि हो सकती थी, लेकिन फिर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो जीवन कला और बोडी गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, और जो दूसरी तस्वीर है वो उस नाले की है जो सालों तक पड़ा है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे इस नाले को लेकर भी कि जो मटेरियल था इसमें वो अच्छा उपयोग नहीं लिया गया, जिसके कारण जो इनकी जीर्ण अवस्था में तुरंत हो गया था, और पानी का निकास जो ज़्यादा पाइप लगाकर भी किया जा सकता था वो नहीं होने के कारण यह हाल इस सड़क के हुए हैं। लेकिन अभी तक नेताओं की जो नींद है वो नहीं खुल पाई है, और आमजन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन कैलाश के साथ मैं जेके बावल।